हेलो दोस्तों, मैं आप सबको आपके YouTube चैनल में सकलात में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में वीडियो नंबर 20 पढ़ेंगे और हम लोग का चैप्टर होगा त्रिकोणमिति का चैप्टर, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग 8.4 8.4 के एक्सरसाइज में हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे, जो कि पहला उदाहरण मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, उदाहरण नंबर 12। ये आपका NCERT बुक का है दोस्तों, ये वीडियो कंटिन्यू हो रही है और आज हम लोग पार्ट नंबर 20 को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल बना है और ये एग्जाम्पल आपका 12 होगा, तो हम लोग इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, लिखा है कि cos a और tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करना है, मतलब इन तीनों को मुझे sin a के टर्म में आंसर देना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और हम लोग यहां पर दिया गया है, यहां पर cos a है, cos a को आपको रिप्रेजेंट करना है sin a में, cos a को आपको चेंज करना है किसमें, sin a में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a बराबर 1, ये आपको फॉर्मूला पता है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। तो ये मुझे बताइए कि यहाँ पर cos स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बात समझ आ गई। कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। लेकिन हमें लाना क्या, हमें कॉस ए के पदों में, कॉस ए को साइन ए के पदों में आंसर देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप एक काम करिएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। पहला आंसर आपका देखिए, आपका ये आ गया है पहला आंसर, कॉस ए स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाओगे तो उधर आपको क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ आ गई, तो ये क्या देगा, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको देखिएगा, चाहे आप ऐसा लिख दीजिएगा या फिर आपको पता है कि जब स्क्वायर हटाते हो तो अंडर रूट लग जाता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, इसको प्लस माइनस में भी आप लिख सकते हो, ठीक दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये आप आंसर दो को ज्यादा सिक्योर रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है tan a को साइन ए में हमें आंसर देना है, tan a को हमें साइन ए के रूप में आंसर देना है। तो बताइए tan a बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर cos a है, लेकिन हमें पूरे को साइन में कन्वर्ट करना है। पूरे को साइन में जब कन्वर्ट करोगे तो एक काम करिएगा, साइन स्क्वायर a, ठीक है दोस्तों। अभी आपने cos a निकाला है, cos a आपने निकाला है, आपने क्या निकाला है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a आपने निकाला है। देखिएगा tan a को हम साइन ए के टर्म में आंसर देते हैं, tan a बराबर क्या होगा, साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो ये आपका आंसर यहाँ पर tan a पे आ गया है। इसी प्रकार sec a को हम लोग आंसर देंगे, तो sec a को हम लोग साइन ए में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ sec a का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1 अपॉन cos a होता है, क्या होता है, 1 अपॉन cos a होता है। अच्छा ठीक है, अभी ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसको साइन में कन्वर्ट करना है, जबकि आपको पता है यहाँ पर कि साइन जो cos a होता है, cos a बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये देखिए तीनों आपके आंसर आ गए हैं, cos a बराबर क्या आ गया है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया है, पहला आंसर साइन के टर्म में आ गया है। दूसरा tan a को हम लोग साइन के टर्म में आंसर देंगे, तो साइन के टर्म में आंसर ये आ गया है। तीसरा आपका जो दिया हुआ था sec a को हमें साइन के टर्म में आंसर देना है, ये आपका आ गया है। ये आपका उदाहरण नंबर 12 है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछे ही जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो मैंने पा दिया। लेकिन इसके बाद जो एग्जाम्पल है, जो लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड लाइन को प्रूव करना है, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को, वहां पर वो क्वेश्चंस पेपर बनते हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है और हम बहुत धीरे से पढ़ाएंगे, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए मेरा पास है। और ये उदाहरण आपका जो अब इस क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आने की संभावना, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर बहुत पूछे जाते हैं। तो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि sec a, इसको ध्यान देखिएगा, sec a फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a,
दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है sec a और प्लस का 10 a आपका ये दिया हुआ है इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इस वाले इधर वाले को हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो बायां पक्ष बोलते हैं, LHS बोलते हैं, और इधर वाले को हम लोग दायां पक्ष मतलब RHS बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष को उतार लेंगे। ठीक है, बायां पक्ष को उतार लीजिएगा। बायां पक्ष क्या है, sec a है, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस का sin a है। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, sec a प्लस का 10 a आपका ये दिया हुआ है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अब सारे ये तो ना बोलिए सर हमें फॉर्मूला नहीं याद है कि sec a का ही उल्टा क्या होता है, tan a क्या होता है। आज हम लोग वीडियो नंबर 20 पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने 8.1, 8.2, 8.3 पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, उदाहरण भी कंप्लीट कर दिया है, सारी चीजें डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, तो अब ये मत बोलिएगा सर फॉर्मूला हमको नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आप वीडियो को जाकर सारे स्टेप बाय 1 से लेकर 19 तक वीडियो आप देख लीजिएगा, आपकी तैयारी यकीन मानिए आपकी तैयारी एकदम ठोस होती जाएगी, आप एक बार करके देखिएगा। आज की वीडियो हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, sec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई साइन लगा दीजिएगा, 1 माइनस साइन ए को एडजस्ट ऐसे रखिएगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट को जैसे यहाँ पे sec a को 1 अपॉन cos a लिखे हो, वैसे यहाँ पर भी sec a को क्या लिखोगे, 1 अपॉन cos a लिखोगे, फिर प्लस का साइन लगा लोगे। tan a का क्या होता है, tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a होता है। यहां तक बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गया है, यहां तक आपको समझ में आ गया है दोस्तों। तो यहां पर हमने sec a को हमने 1 अपॉन cos a रखा है, इस वाले ब्रैकेट को मैंने एजिटिस ऐसे रखा है, इस वाले ब्रैकेट को sec a को हमने 1 अपॉन cos a प्लस का tan a को sin a अपॉन cos a लिख दिया है, क्योंकि tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a होता है। तो ये मैंने एजिटिस लिख दिया है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, अभी जैसा कर रहा हूँ वैसा, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पर भी एजिटिस लिख देना है ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट में देखिएगा आपको cos a और cos a एलसीएम आएगा, तो cos a और cos a का एलसीएम कितना होगा, cos a होगा। जब नंबर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले नंबर को कोई भी नहीं चेंज करते, जैसा होता है उसको साथ में वैसे बैठा देते हैं। ठीक है, प्लस में है तो प्लस में बैठाएंगे, माइनस में है तो माइनस में बैठा देंगे। तो एलसीएम लेने के बाद ये नंबर इस तरफ बन गया है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, वन अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी देखिए कॉस ए दिया हुआ है, ये कॉस है, ये कॉस है मल्टीप्लाई है, तो कॉस ए कितनी बार है, मल्टीप्लाई में 2 बार है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर बच्चा क्या बोलोगे सर जी, 1 माइनस साइन ए बचा हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए बचा हुआ है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर एलजेब्रा की एक आइडेंटिटी लगेगी, अगर आपके पास ए प्लस बी हो और आपके पास दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर इसी को कभी कभी ये लिख देते हैं ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों, और ए प्लस बी, तो ये रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, ये आप समझदार अब इतना समझ गए होंगे, क्योंकि इनटू में होता है दो नंबर, तो हमारा कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बोल दूं 2 मल्टीप्लाई 3 कर दो तब भी 6 आएगा, अगर 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो तब भी क्या होगा, 6 आएगा। ये एग्जांपल आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो चाहे a प्लस बी हो एक ब्रैकेट में, चाहे a माइनस बी हो, अंतर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, चाहे a माइनस बी हो और दूसरी बात दूसरी जगह क्या हो, a प्लस बी हो, तब भी आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको एडजस्ट नीचे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बचा है, 1 अपॉन cos स्क्वायर a था, cos स्क्वायर a था लिख दिया। अच्छा, ये a है, ये क्या है दोस्तों, a है, तो माइनस ये क्या है, b है, तो ये ऐसे ही बना है, a माइनस बी बना हुआ है, आपको कहा नहीं आपको समझा है, a माइनस बी बन गया है, और भाई जो 1 था यहाँ पर a, वही 1 यहाँ पर भी a होगा,
फिर यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस लगा देंगे साइन। बोलोगे सर जी ये ए स्क्वायर होगा, मतलब ए की वैल्यू क्या है वन, वन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस का बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है साइन ए है, तो साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिएगा अब देखिएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों, वन का स्क्वायर क्या होता है वन होता है, और साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है बोलोगे साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अभी हमने एक फार्मूला लिखा था, फार्मूला लिखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे हम यहाँ पर वन होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलो सर जी वन, माइनस का ये प्लस इधर है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है बात समझिए आप, बात समझे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकल गया है यहाँ पर, बोलो तो सर वन माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया है, क्या आ गया है वन माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई इस पूरे की वैल्यू हमने यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर ए होती है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर ए कर देंगे। बात समझ आ गई, बात आपको समझ आ गई। अब देखिएगा यहाँ से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा क्या बोलो सजीव वन बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बायां पक्ष लिया था, बायां पक्ष लिया, ठीक है बायां पक्ष को जब सॉल्व किया कितना आ गया है वन आ गया है, इसका मतलब कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है बराबर है। आप देखो इस पूरे की वैल्यू क्या है वन है, तो मैंने सॉल्व किया वन आ गई है, तो ये दोनों आपके बराबर है दोस्तों, ये दोनों क्या है आपके बराबर है। तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से करना है दोस्तों, ठीक है वीडियो को ज्यादा लंबा लेकर नहीं चलूंगा, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। मैंने दो क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन जो था वो आपका एकदम महीन क्वेश्चन था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उदाहरण में था तो उसको उदाहरण मैंने कर लिया दोस्तों। हमने क्या किया है उदाहरण नंबर 13 किया, उदाहरण नंबर 13 मैंने क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिखा है, ये क्वेश्चन आपका इस तरह होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, एक क्वेश्चन और करा देते हैं उदाहरण का, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्लास को एंड करेंगे, तो एक क्वेश्चन और कराएंगे। तो पहले ये नोट कर लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे यहाँ पे। नंबर 14 को हम लोग उदाहरण नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 14 क्या है, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस का cos a दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है cot a माइनस का cos a दिया हुआ है अपॉन बटे cot a प्लस का cos a दिया हुआ है। इसको प्रूव करना है किसके बराबर, तो बोलोगे cos a माइनस वन अपॉन कॉस्टिक ए प्लस वन प्रूव करना है। तो ये आपको गिवन है, तो ये आपको मतलब दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले बायां पक्ष करेंगे, बायां पक्ष क्या है तो बायां पक्ष, ठीक है तो बायां पक्ष आपका क्या है, तो बोलोगे सर जी कॉट ए है और माइनस का कॉस ए लिखा हुआ है, ये लिखा है ना देख लीजिएगा भाई, ठीक है कॉट ए प्लस का कॉस ए लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, अब आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, cot a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे सर cos a बटे sin a होता है। बात समझ में आ गई, बात आपको जरूर समझ में आई होगी, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है फिर माइनस का cos a, ठीक है ये दिया हुआ है, फिर हम लोग अपॉन करेंगे, फिर यहाँ पर cot a को क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, फिर प्लस का कॉस ए लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ आ गई। फिर देखिएगा यहाँ पर, फिर देखिएगा हम लोग एक काम करते हैं, कॉस ए यहाँ पर भी है, कॉस ए यहाँ पर भी है, तो क्या करते हैं कॉस ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ से कॉस ए चला गया तो वन बचेगा, नीचे क्या है साइन ए है, फिर माइनस का वन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से जब cos a कॉमन लोगे, cos a कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, बोलोगे सर cos a पूरा चला गया तो वन बचा, नीचे क्या बचा sin a बचा है, फिर आपके आगे क्या है प्लस का है, cos a पूरा चला गया क्या बचा वन बच गया है।
बात समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। कट जाएगा जब cos a से cos a कट जाएगा, तो बताओ वन अपॉन साइन a होता क्या है? तो बोलो सजीव वन अपॉन साइन a हमारा क्या होता है? cos a होता है, ठीक है। फिर माइनस वन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ? वन अपॉन साइन a क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो बोलोगे cos ए होता है, फिर प्लस का वन होता है। तो ये आपको बात समझ आ गई है, इस पूरे का अंतर कितना आ गया? कोसेक ए माइनस का वन अपॉन कोसेक ए प्लस वन। तो मुझे यही तो प्रूफ करना था, यही तो लाना था। तो आप कहोगे क्या क्या कहोगे? बोलो सर बायां पक्ष एल एच एस बराबर हो गया किसके? आर एच एस के, दायां पक्ष बराबर है। तो आप बोलोगे सर इति सिद्धम, ठीक है, ठीक है, आपने इतनी सिद्ध मतलब सिद्ध कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये उदाहरण थे, उदाहरण मैंने आज 8.4 के उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13 और उदाहरण नंबर 14 हमने डिस्कस किया है, ठीक। आज हमने तीन उदाहरण को डिस्कस किया है। तो लास्ट के दो उदाहरण थे, ये उदाहरण पेपर में आते हैं और टेस्ट में भी आते हैं, ठीक है, बोर्ड पेपर में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चन को इनको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इससे पहले उदाहरण नंबर 12 जो था वो पेपर में नहीं आता है, ये नहीं कहता कि कभी पेपर में नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने पढ़ाया है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ क्या दिया हुआ था? साइन दिया हुआ था, कॉस 10 दिया था, सेक दिया हुआ था, उसको साइन में कन्वर्ट था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था शायद, कॉस 10 और सेक, ठीक है, साइन में कन्वर्ट करना था। तो आपको अगर पूरा अपार फॉर्मूले पता होंगे तो आप कहीं ना कहीं से कन्वर्ट कर लोगे। तो मैंने वही करके बताया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे और अपने चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ाता हूँ। तो आप इस चीज को आप समझेंगे, रिलैक्स करेंगे और आप इस चैनल को, आप ये आपका ये खुद अपना चैनल है दोस्तों, तो आप अपने चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। और हम आपको पूरी क्लास, आपका स्कूल का हाई स्कूल का पूरी क्लास, हम लोग पूरा एनसीईआरटी बुक हम आपसे वादा करते हैं, पूरा एनसीईआरटी बुक उदाहरण चलेगी 105 तक कंप्लीट चलेगी, ठीक है दोस्तों। इससे पहले देखिए हमने सर्कल पढ़ा दिया था, वृत्त से संबंधित पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, एक ही क्वेश्चन कराए हैं, एक ही नाम आएगा तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो चलिए बातें ज्यादा करेंगे, लंबी हो जाएंगी, आप लोग को बोर भी लगेगा। तो आपको यही कहेंगे कि आप पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सपोर्ट करिए। फिर हम लोग कर देते हैं, जय हिंद जय भारत।